नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्हाट इज लीन मसल मास। लीन मसल मास क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि लीन मसल मास को और किन नामों से बुलाते हैं लोग। लीन मसल मास, लीन बॉडी मास, लीन मास या फैट फ्री मास, इनमें से कुछ भी एक बोला जाए इसका मतलब है कि लीन मसल मास की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो लीन मसल मास और लीन बॉडी मास है, उसमें भी लीन मसल मास मैंने ज़्यादा सुना है। फैट फ्री मास भी बोल देते हैं लोग, लीन मास भी बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लीन मसल मास के LMM, इसमें LBM, लीन मास के LMM, फैट फ्री मास के FFM, पर यूजुअली सबसे ज़्यादा यही दोनों बोले जाते हैं, लीन मसल मास, लीन बॉडी मास। लीन का मतलब क्या है? लीन का मतलब है फैट फ्री, बिना चर्बी का। लीन का वजन नहीं मतलब है। लीन मसल मास का मतलब है कि वो मसल जो कि बिना चर्बी के है, मतलब वो मांसपेशियां जो कि बिना चर्बी के है। नहीं, मसल तो हमेशा बिना चर्बी की ही होती है, बस ये बोलने का तरीका है। लीन मसल मास मतलब बिना चर्बी का मास, ये बोलने का तरीका है। ये पहले से ऐसे ही बोला जाता है, ये वैसे ही चला हुआ है। अब लीन मसल मास होता क्या है? लीन मसल मास होता है चर्बी के अलावा जो भी आपके शरीर में है वो सब। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो शरीर में चर्बी है उसको फैट मास बोलते हैं, तो फैट मास को छोड़ के जो भी आपके शरीर में है उसे लीन मसल मास बोलते हैं। जिसमें आ जाएगा आपके ऑर्गन आ जाएंगे, आपका लीवर, अपेंडिक्स, आंते, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, ऑर्गन्स आ जाएंगे आपके उसमें, हड्डियाँ आ जाएगी, बोन्स आ जाएंगी, मसल्स, मांसपेशियाँ आ जाएगी उसमें, पानी जो आपके शरीर एक टाइम पे कुछ पानी रखता है, पानी को होल्ड करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, वैसे समझ लो वो पानी नहीं जो आपने पिया है, सिर्फ वो पानी नहीं, उसके अलावा भी जो आपने पिया होगा आपके पेट में होगा, लेकिन उसके अलावा भी आपका शरीर पानी को रोक के रखता है। तो उस पानी का भी बाहर आएगा इसमें, आपकी चमड़ी का बाहर आएगा, आपके शरीर में कुछ मिनरल्स होते हैं उनका बाहर आएगा, और भी कोई चीज़ हो तो उसका बाहर आ सकता है। तो जो इन सब चीज़ों को मिला करके लीन मसल मास बनता है। कोई सोचे कि लीन मसल मास नाम है तो सिर्फ मसल का मास है, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों को मिला के लीन मसल मास बनता है। लीन मसल मास में बदलाव कब आ सकता है? जैसे फैट मास होता है तो उसमें बदलाव आ सकता है जब आपके शरीर में चर्बी बढ़ जाए तो आपका फैट मास बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फैट मास का मतलब आपके शरीर में जितनी चर्बी हो। तो लीन मसल मास में बदलाव कब आ सकता है? जब आपके सबसे ज़्यादा मेन बदलाव दो ही टाइम आता है, जब आपके शरीर में मांसपेशियां बढ़ जाए, कम हो जाए, या फिर शरीर ज़्यादा पानी रोकने लग जाए या ज़्यादा पानी होल्ड करने लग जाए। क्योंकि ऑर्गन्स का वज़न लगभग उतना ही रहता है, कोई इतना फ़र्क नहीं आता कि उसे उस पर ध्यान दिया जाए, ना ही हड्डियों में इतना फ़र्क आता है, ना ही चमड़ी में इतना फ़र्क आता है, ना ही जो हमारे शरीर में मिनरल है उनमें कोई इतना फ़र्क आता है कि उस वो अलग से हमें उस पर ध्यान देना पड़े, या वो हम जब वज़न नाप रहे तो उसमें एक अलग से फ़र्क दिखा दे, इनमें इतना फ़र्क नहीं आता। अगर अगर आप 18 साल 20 साल से बड़ी उम्र के हो जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, अगर आप 10 साल के बच्चे हो तो आपकी हाइट बढ़ेगी, तो आपकी बोन्स बढ़ेंगी, हड्डियाँ बढ़ेगी, उनका वज़न बढ़ेगा, आपकी स्किन बढ़ेगी, चमड़ी बढ़ेगी, उसका वज़न बढ़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपकी हाइट रुक गई है, उसके बाद बात कर रहे हैं ये सारी। तो सबसे ज़्यादा जो लीन मसल मास में बदलाव आता है वो मसल मतलब मांसपेशियां और पानी के कारण आता है। यहाँ पे उस पानी की बात नहीं हो रही जो पीक पिया है और अभी हमारे पेट में गया, उस पानी की बात नहीं कर रही हो रही है, उस पानी की बात हो रही है जो हमारा शरीर होल्ड करके रखता है, हमारा शरीर रोक के रखता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 100 किलो का आदमी है, वेट है उसका 100 किलो, 15% उसका बॉडी फैट है। बॉडी फैट कैसे निकालते हैं और क्या होता है, मैंने पुराने वीडियो में बात करके, इससे एक दो वीडियोस पहले की बात है, करीब 15% उसका बॉडी फैट है। इसका मतलब उसके अंदर 15 किलो फैट मास है, उसके अंदर 15 किलो चर्बी है। अगर हम ये चर्बी उसके वजन में से कम कर देंगे तो जो बचता है वो है 85 किलो। ये जो 85 किलो है इसको लीन मसल मास बोलते हैं। चर्बी का वजन आपके टोटल वजन में से घटा दो तो जो आएगा वो लीन मसल मास है। लीन मसल मास या
लीन बॉडी मास या लीन मसल सॉरी या लीन मास जो भी नाम है, ये सारे नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ये बहुत खास नाम है, ये इंटरनेट पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, इनके बारे में काफ़ी बात होती रहती है। फिटनेस इंडस्ट्री में मतलब फिटनेस की लाइन में इनकी बहुत बात होती है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा लीन मसल मास लीन बॉडी मास बोल करके बात होती है, कुछ लोग लीन मास भी कह देते हैं। लीन आपने कई बार सुना होगा, जिम में लोग कहते हैं मैं लीन मसल गेन कर रहा हूँ, लीन गेनिंग पे हूँ। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मसल जो बना रहा हूँ उसमें कुछ चर्बी नहीं है, ऐसा कुछ उसके कहने का मतलब ये है कि मैं जो वजन बढ़ा रहा हूँ वो या फिर मैं जो अपने शरीर में बढ़ा रहा हूँ वो बिना चर्बी बढ़ाए मैं मांसपेशियां बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं बिना फैट बढ़ाए मसल बढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब बस इतना है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मसल के ऊपर कोई फैट की परत है और वो उसके साथ में ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं चर्बी नहीं बढ़ने दे रहा हूँ, मैं ऐसे खाना खा रहा हूँ और ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि मेरी चर्बी नहीं बढ़ रही है और सिर्फ मेरी मसल बढ़ रही है, ऐसा लोग कहते हैं। या फिर मेरी चर्बी बहुत कम बढ़ रही है और मेरी मसल चर्बी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उसे काफी बार लोग कहते हैं लीन गेनिंग है या फिर लीन मसल गेन कर रहा हूं ऐसे। इसके बाद में एक और टर्म होती है मसल मास। काफी बार ऐसा होता है कि लोग लीन मसल मास को या लीन बॉडी मास को ही मसल मास कह देते हैं। आप मेरे ख्याल से 95% से ज्यादा लोगों से बात करोगे, शायद 97-98% लोगों से बात करोगे, 97-98% लोगों से अगर आप बात करोगे तो वो आपको यही कहेंगे कि मसल मास, हाँ मेरा मसल मास इतना है, और वो लीन मसल मास समझ के ही जवाब देंगे। पर अगर किसी को पता है तो कई जगहों पे क्या मसल मास जो शब्द है वो कहते हैं उस वजन को जो कि लीन मसल मास जो आपका आया उसमें से आपके शरीर में जितना पानी है उसका वजन घटा दिया जाए। मतलब आपके शरीर में जो लीन मसल मास आया उसमें से अगर हम पानी का वजन घटा दें तो जो वजन आता है उसे मसल मास कहा जाता है, और उसे स्केलेटल मसल मास भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात कर लेंगे, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। जब भी ज़्यादातर आप सुनोगे 98% 98% आप जब भी सुनोगे लीन मसल मास या मसल मास भी कह रहे हैं ना, कोई मसल मास भी कह रहा है, तो वो इसी मसल मास की बात हो रही है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि मसल मास एक टर्म होती है जिसे स्केलेटल मसल मास भी कहते हैं, जो कि लीन मसल मास जो था उसमें से हमारे शरीर में से पानी का वजन कम कर देते हैं हम उसमें से, तो उसे कहते हैं। और हमारे शरीर में पानी का वजन काफ़ी होता है, मतलब 50% से ज़्यादा हमारे शरीर में पानी का वजन होता है। तो अगर मेरा लीन मसल मास 85 किलो आया है तो मतलब 45-1 किलो मेरे शरीर में पानी का वजन है, आप ऐसा कह सकते हो। ये सबसे कम यूज होता है, और काफी बार लीन मसल मास और मसल मास को लोग अदला बदली करके बोल देते हैं, इंटरचेंज करके बोल देते हैं। मान लेते हैं ये जो 100 किलो का आदमी हमारे पास में था जिसका 15% बॉडी फैट था, अभी 110 किलो का हो गया, इसने वजन बढ़ाया, जिम गया, कसरत करी, इसने वजन बढ़ाया और ये अभी 110 किलो का हो गया और इसका 20% बॉडी फैट हो गया। हमने वैसे ही नापा जैसे हमने उस वीडियो में बात करी थी नापने के तरीकों की, 20% बॉडी फैट हो गया। इसका मतलब ये है अगर हम 110 किलो का 20% निकालेंगे तो 11 और 11 22 22 किलो फैट मास आएगा, 22 किलो अब इसके अंदर चर्बी है इस आदमी के अंदर, जिसके अंदर पहले 15 किलो हुआ करती थी। इसका मतलब इसने जो वजन बढ़ाया उसमें 7 किलो इसकी चर्बी बढ़ गई है, इसका फैट मास 7 किलो से बढ़ गया है, मैंने 7+ लिखा मतलब 7 किलो से बढ़ गया। अब इसमें 22 किलो चर्बी और एक कुल 110 किलो का है, तो अगर हम इस के कलीन मसल मास निकाले तो हम 110 में से 22 किलो की जो चर्बी वो कटा देंगे तो 88 किलो अब इसका लीन मसल मास है जो कि पहले 85 किलो हुआ करता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसने 3 किलो वजन बढ़ाया है, जिसमें जो चीज़ें बड़ी हो सकती है वो है मसल मतलब मांसपेशियां और वाटर मतलब पानी। मसल और वाटर इन दोनों से इसने 3 किलो वजन बढ़ाया है, हो सकता है 2.5 किलो मसल आई और आधा किलो पानी बढ़ाओ, और हो सकता है 2.25 किलो मसल आई और 1.25 किलो पानी बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि 3 का 3 किलो पानी बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर मेरे
85 किलो में से अगर 45 किलो अगर मेरे शरीर में पानी था तो 3 किलो और क्यों नहीं बढ़ सकता। ये जो पानी की हम बात कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 45 किलो वाले पानी में इसमें आपका खून और बहुत सारी चीज़ें आती है जो आप किसी भी टाइम आप अपने शरीर में पानी को कम ज़्यादा कर सकते हो। वो 3, 4, 5 किलो का ही फ़र्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15 किलो अपने शरीर में पानी जोड़ लोगे, ऐसा नहीं होता। जो पानी का वजन हम कम ज़्यादा कर सकते हैं वो 2, 3, 4, 5 किलो का ही होता है। 5 किलो का भी बहुत कम होता है, 2, 3, 4 किलो का ही रहता है। तो मतलब काफ़ी चांस है कि जो इसने 3 किलो वजन बढ़ाया है मसल और वाटर से, उसमें लगभग लगभग सारी मसल ही होगी, पानी नहीं होगा ऐसे। तो ये आपको समझाने के लिए था। मैंने लगभग पूरी कोशिश करी कि आपको पूरा समझ आ जाए। बस ये ध्यान रखना कि लीन मसल मास की बात आगे मैं भी करूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैट मास से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो टर्म है, ये जो शब्द है। लीन मसल मास वो मास है, वो वजन है हमारे शरीर का, जो कि शरीर की चर्बी का जो वजन है उसे हटा दिया जाए तो बनता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन हो तो, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करना, और अगर आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो अपने मेरे इस चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।